जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, फिर से आपके लिए आज सुबह से शाम तक का आपके लिए सरसों का अपडेट, चाहे सरसों का आप रिपोर्ट मान लो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुबह से शाम तक सरसों मंडिया में या सरसों खल का भाव किस प्रकार रहा, किस मंडी में आज कितने भाव तक सरसों बिकी। और कल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल विश्वकर्मा पूजा भी है, तो आपको पहले से ही विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम लोग जान लेते हैं कि आज सरसों का भाव रहा प्रमुख सरसों मंडी शाम का भाव में क्या, आगे सरसों के भाव में कितनी तेजी आने की संभावना है, सरसों एवं सरसों खल के अपडेट में आज आपको पूरा रिपोर्ट दूंगा। तो इसलिए आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए डेली प्रतिदिन हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। सिरसा में अगर सरसों की बात करें तो 7,700 रुपये क्विंटल से 8,012 रुपये क्विंटल तक आज सरसों का ये भाव रहा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इन दिनों सरसों के भाव में काफ़ी अच्छी तेजी बरकरार है। इसका कारण दोस्तों, धीरे धीरे करके, जैसे कि हर बार मैं बताता हूं, इस बार भी आपको बता देना चाहूँगा, धीरे धीरे करके मंडी में स्टॉक खत्म होते जा रहा है सरसों का स्पेशली। इसके कारण क्या हो रहा है कि डिमांड है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा सरसों का बढ़ रहा है। और धीरे धीरे करके मैं बता दूं, अगर अपना राज्य झारखंड का बात करूं, आज से एक सप्ताह पहले 70 रुपये केजी सरसों का भाव था, मगर अभी आपको बता देना चाहूँगा, अभी सरसों का भाव है दोस्तों कम से कम 74 रुपये केजी सरसों बिक रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तेजी दोस्तों सरसों में डेली बढ़ रही है। इसका कारण सबसे पहले तो आज विश्वकर्मा पूजा है, धीरे धीरे करके अब दिवाली आने वाली है, धनतेरस का त्यौहार आता है, धीरे धीरे करके दशहरा आने वाली है। क्या होता है कि त्योहारों में तेल का जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ास करके दशहरा में, जब क्या होता है कि जो, अगर एक भाषा में बोले तो खस्सी जिसको बोला जाता है, मटन सभी के घर बनता है। मटन बनने के कारण मतलब सरसों तेल का मतलब मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, इसलिए त्योहारों वाला सीजन में सरसों का जो दाम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सरसों का दाम बढ़ने के कारण क्या होता है कि सरसों तेल का भाव भी बढ़ जाता है। जिसके पास अभी भी अगर सरसों अच्छा खासा आप अगर बना के रखे हैं, अपने घर अगर रखें, तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और आपको अच्छे दामों में अब सरसों बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। और अब हर वर्ष इसी प्रकार से आपसे मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सरसों का आप फसल तो ज़रूर पैदा करें, ताकि आपको एक मोटा कमा हरेक वर्ष सरसों दे के जाए। अब जानते हैं आज का भाव। आगरा शमशाबाद दिग्नेश सोनी 9,300 रुपये क्विंटल, कोटा सोनी 300, मोटा मोटी सलोनी प्लांट में आज भाव रहा है 9,300, आगरा बीपी शारदा आगरा 9,000, ग्वालियर एंड मोरेना 8,250 रुपये क्विंटल। चरखी दादरी में आज सरसों का जो भाव रहा है किसान भाइयों, 8,150 से 8,250 रुपये क्विंटल। बरवाला में सरसों का भाव मैं बता दूँ 7,850 से 7,860, मोरेना में 7,850, पोरसा में 7,825, अलवर में 8,400, गंगापुर सिटी में 8,250 से 8,350, रुचि गुना एंड बारा में 8,500, कोलकाता एमपी यूपी में 8,400 से 8,500, और स्थानीय हरियाणा में 8,800 से 8,900, निवाइन टोक में 8,650, निवाइन टोक में 8,000 से लेकर 8,825, केकड़ी में 7,700 से 7,750, गंगानगर में 7,850 से 7,900। सरसों खल का रेट जानते हैं 16,921 का, गंगापुर में 3200, निवाइन टोक में 3140 से 3150, जयपुर में 3225 से 3250, गंगानगर में 3110, अलवर में 3200, केकड़ी में 3250, कोटा में 3250, हिसार में 3200, जोधपुर में 3250 से 3275, चरखी दादरी में 3120, आगरा में 3351 से 3371, मोराना में 3200, भरतपुर में 3375 से 3300, खैरताल में 3225। ये था आज का सरसों खल का भाव। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। कुछ आपको बता देता हूँ कोलकाता पाट तेल बाजार का भाव, प्रति 10 केजी का सरसों तेल का क्या भाव है। सरसों तेल कच्ची घानी का 10 केजी का दाम है 1840, सोया और रिफाइन का 10 केजी का 13.10, पॉम ऑयल का रिफाइन का 12.30, पॉम तेल कुंड का 11.50, तिल बीज बिल्टी तेल आता है 7200, तिल केक का 3500, राइस ब्रांड रिफाइन का 13.40, ये 10 केजी का भाव है, ठीक है। राइस ब्रांड कुंड का 12.40 से 12.45, वनस्पति तेल
1790। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से हर उस सरसों का पल पल अपडेट जानने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए।